कक्षा 12वीं राजनीतिक विज्ञान के अध्याय 7 समकालीन विश्व में सुरक्षा को पढ़ेंगे। इसके पहले हमने अध्याय 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ा था, तो देखते हैं इसका परिचय क्या है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया को समकालीन विश्व कहा जाता और सुरक्षा की दृष्टि से विश्व राजनीति का महत्वपूर्ण मुद्दा रहा और राष्ट्र और राज्यों की संप्रभुता पर आधारित आधुनिक विश्व व्यवस्था की स्थापना 1648 में वेस्टफीलिया की संधि द्वारा की गई थी। यह एक यूरोपियन व्यवस्था थी और इसमें सुरक्षा की स्थापना प्रमुख शक्तियों के मध्य शक्ति संतुलन के द्वारा की जाती थी और 20वीं शताब्दी में विश्व समुदाय को प्रथम विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा था और सामूहिक सुरक्षा के तहत 1920 में राष्ट्र संघ अथवा लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई, लेकिन कुछ कारणों से संगठनात्मक व परिस्थितिजनक कमजोरियों के चलते यह संगठन भी सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर पाया और विश्व समुदाय को 1939 में दूसरे विश्व युद्ध का फिर सामना करना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप 1945 में पुनः सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित एक नए संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई और निष्कर्ष यह निकला कि 20वीं शताब्दी के विश्व युद्धों के कारण विश्व सुरक्षा का मामला विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण तत्व बन गया। अब देखते हैं कि सुरक्षा का अर्थ क्या है। तो सुरक्षा का अर्थ सामान्य रूप से तात्पर्य किसी खतरे से मानव मात्र का बचाव करना है और इस शब्द का प्रयोग व्यक्ति दैनिक जीवन में करता है, जैसे कि व्यक्ति की सुरक्षा, जान माल की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़क पर चलते हुए तेज गति से चलने वाले वाहन की चपेट में आकर चोट लगने और जान जाने का खतरा होता है। इसी तरह बिजली कर्मचारी को बिजली की आपूर्ति में कोई खराबी आने पर उसे ठीक करते समय करंट लग जाने का खतरा और पहाड़ीदार कुछ घुमावदार रास्तों पर गाड़ी चलाते समय उसमें फिसलने और खाई में गिरने तथा यात्रियों की जान का खतरा। तो सुरक्षा के अर्थों को जानने से व्यक्ति को सरकार तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बहुत सी गतिविधियों के कारण आसानी से समझ आ जाए। राष्ट्र की सुरक्षा केवल युद्धों और आक्रमणों और आतंकवादी हिंसक गतिविधियों से ही खतरे में नहीं पड़ती, बल्कि बीमारी, महामारी, भूकंप, भुखमरी, सुनामी और समुद्री तूफान, बाढ़, सूखा, इन कारणों से भी खतरे में पड़ती है। सुरक्षा की धारणा के दो पक्ष हैं, सुरक्षा की प्राचीन या पारंपरिक धारणा और सुरक्षा की आधुनिक या अपारंपरिक धारणा। पहले की धारणा के अंतर्गत विदेशी आक्रमण, युद्ध, गृह युद्ध, शीत युद्ध, आंतरिक गड़बड़ी आदि के खतरों को ही सुरक्षा से संबंधित माना जाता था। अब ये सुरक्षा संबंधी धारणाएं तो ये दो हैं, पहला पारंपरिक और दूसरा अपारंपरिक धारणा। तो देखते हैं पहले सुरक्षा का परंपरागत धारणा क्या है। परंपरागत धारणा किसी राष्ट्र की सीमाओं व उसकी संप्रभुता के संरक्षण से संबंध रखती है। संप्रभुता व राष्ट्रीय क्षेत्र की सुरक्षा को प्रमुख खतरा सैनिक आक्रमण अथवा युद्ध से है। अतः सुरक्षा की परंपरागत धारणा में संप्रभुता की रक्षा के लिए सैनिक क्षमता अर्जित करना अत्यंत आवश्यक है और परंपरागत धारणा की कुछ विशेषताएं हैं जो इस तरह हैं। पहला, इस धारणा में राष्ट्र की संप्रभुता तथा राज्य के भूभाग की रक्षा करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। राष्ट्र की संप्रभुता तथा उसके भूभाग को सबसे महत्वपूर्ण खतरा सैनिक आक्रमण अथवा युद्ध से होता है। सैनिक क्षमता विस्तार तथा युद्धों की रोकथाम सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अतः उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय आधुनिक राष्ट्र राज्य व्यवस्था के उदय से 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक सुरक्षा का परंपरागत विचार भी प्रमुख रहा। अब इसमें है बाहरी सुरक्षा। तो बाहरी सुरक्षा का पक्ष सुरक्षा का सबसे गंभीर पक्ष है और पारस्परिक रूप से राष्ट्र या देश को
जब भी खतरा महसूस किया जाता है वह बाह्य आक्रमण के कारण महसूस होता है। इस प्रकार बाहरी सुरक्षा का संबंध दूसरे देश द्वारा किए जाने वाले आक्रमण तथा युद्ध की संभावना के खतरे से होता है और इसके लिए प्रत्येक राष्ट्र अच्छी सैनिक शक्ति की व्यवस्था भी करता है। दूसरे देश द्वारा किया गया आक्रमण केवल राष्ट्र की संप्रभुता, प्रादेशिक अखंडता, स्वतंत्रता के लिए खतरा नहीं बनता बल्कि देश के नागरिकों की जान और माल के लिए भी खतरा रहता है। बाहरी खतरे से देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए देश के पास 3 विकल्प होते हैं। पहला है आक्रमणकारी देश की बात मान ले या आत्मसमर्पण कर दे। दूसरा, आक्रमणकारी का सामना करने को तैयार रहे। और तीसरा है आक्रमणकारी को पराजित किया जाए और उससे अपना कदम वापस लेने पर बाध्य किया जाए। अब है आंतरिक सुरक्षा। यह मुख्य रूप से अच्छी अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था, आंतरिक शांति आदि पर निर्भर करती है, परंतु आंतरिक सुरक्षा की तुलना में बाहरी सुरक्षा को अधिक महत्व दिया जाता है। इसके मजबूत हुए बिना बाहरी सुरक्षा मजबूत नहीं हो सकती। जब भी किसी देश की आंतरिक सुरक्षा कमजोर होती है वहाँ गृह युद्ध, आंतरिक कलह आदि उत्पन्न होते हैं। ऐसी स्थिति में पड़ोसी देश इसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं और वह आक्रमण कर देते हैं। अब है सुरक्षा के पारंपरिक तरीके। तो पारंपरिक तरीकों में पहला है शक्ति संतुलन। जब शक्ति संतुलन वह व्यवस्था है जिसमें कहीं भी किसी भी अत्यधिक शक्ति वाले देशों के लिए खतरा न बन जाए। शक्ति संतुलन की स्थिति या तो खतरा पैदा करने वाले देशों को आक्रमण करने से रोक सकती है या फिर आक्रमण होता है तो शिकार राष्ट्र को बचा सकती है। प्रायः पड़ोस के शक्तिशाली देश द्वारा अपने छोटे और कमजोर देशों पर आक्रमण किया जाता है। छोटे देशों को पड़ोस के देशों से खतरा रहता है। जब किसी देश की स्थिति ताकतवर बन जाती है तो उसमें शक्ति का नशा आ जाता है और वह अपनी शक्ति के प्रभाव छोटे राज्यों पर जमाना चाहता है और उन्हें अपने नियंत्रण या दबाव में रखना चाहता है। उससे प्रदेश को अपनी शक्ति का प्रभाव छोटे देशों पर जमाना चाहता है और अपने नियंत्रण या दबाव में रखना चाहता है और अपने प्रदेश या क्षेत्र में मिलाने का प्रयास भी कर सकता है। इसलिए छोटे देशों को उन पड़ोसी देशों से मित्रता बनाए रखना चाहिए जिससे उन शक्तिशाली देश से शत्रुता रह चुकी हो, मनमुटाव हो या उनके साथ पहले युद्ध हो चुका हो। अर्थात छोटे देश के शत्रु देशों के साथ मित्रता और उनके समर्थन और सहयोग को प्राप्त करना चाहिए। फिर दूसरा कारण है सैनिक गठबंधनों की स्थापना। तो परंपरागत धारणा के अंतर्गत कुछ देशी आपसी सैनिक गठबंधनों का निर्माण कर सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रयास भी करते हैं। इन सैनिक गठबंधनों में यह शर्त शामिल होती है कि यदि वह इसमें शामिल किसी एक देश के विरुद्ध भी बाहर सैनिक आक्रमण होता है तो वह सभी देशों के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा, तभी सभी सदस्य मिलकर इसका सामना करेंगे। और सन 1949 में नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन अथवा नाटो नामक सैन्य संगठन की स्थापना भी इसी के तहत की गई थी। और सैनिक गठबंधनों से सुरक्षा के साथ साथ सैनिक तनाव भी बढ़ता है तथा ये संगठन संयुक्त राष्ट्र संगठन संघ के चार्टर की भावना के विपरीत है। तीसरा कारण है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। किसी देश की स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखंडता को अधिकतर खतरा देश की सीमा के बाहर से की शक्तियों से होता है, विदेशी आक्रमण या विदेशी हस्तक्षेप से होता है और इसी को पारंपरिक दृष्टिकोण के अनुसार सबसे गंभीर संकट माना जाता है। इसका मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है। विश्व स्तर पर हिंसा रोकने के लिए किसी प्रकार का मजबूत संगठन नहीं है। राज्य की सीमा के अंतर तो राज्य की शक्ति सब व्यक्तियों तथा व्यक्ति समूहों में अधिक होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ कोई विश्व राज्य नहीं है। उसके पास अपनी निजी सेना न होने के कारण शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए उसे सदस्य राष्ट्रों की सेनाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। फिर है चौथा कारण सामूहिक सुरक्षा तथा सुरक्षा परिषद। परंपरागत सुरक्षा का एक उपाय सामूहिक सुरक्षा की धारणा है जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद अथवा व्यवहारिक रूप दिया जाता है। और यदि किसी देश द्वारा दूसरे देश के विरुद्ध आक्रमण किया जाता है तो सुरक्षा परिषद उस विश्व समुदाय की ओर
उसके विरुद्ध सामूहिक सैनिक कार्यवाही की जाएगी। सुरक्षा परिषद पहले विवादों को वार्ता द्वारा निपटाने का प्रयास करता है और विवाद का समाधान न होने पर उस देशी देश के विरुद्ध आर्थिक व सैनिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं। और फिर है पांचवा, विश्वास बहाली। पारंपरिक सुरक्षा की धारणा के अंतर्गत सुरक्षा का एक उपाय यह भी है कि विभिन्न देश के एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना का विकास किया जाए। फिर है छठवां, निशस्त्रीकरण का प्रयास। मानव सभ्यता के विकास के साथ ही साथ मानव ने वैज्ञानिकता के युग में भी प्रवेश किया है। वैज्ञानिकता के युग में मानव के प्रवेश के परिणाम स्वरूप ही मानव द्वारा अनेक विध्वंसकारी, प्लयंकारी और मानव संहारक अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हुआ। उतना ही नहीं, विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में शस्त्रीकरण की होड़ प्रारंभ हो गई और यह होड़ इस शताब्दी के प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों का प्रमुख कारण भी सिद्ध हुई है। मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों द्वारा जर्मनी और उसके मित्र राष्ट्रों को विसैनिकृत करके उनकी सैन्य शक्ति और निशस्त्रीकरण की सामर्थ्यता को सीमित किया। अब है निशस्त्रीकरण का अर्थ और परिभाषा। निशस्त्रीकरण का शाब्दिक अर्थ है शारीरिक हिंसा के प्रयास के समस्त बौद्धिक तथा मानवीय साधनों का उन्मूलन। वस्तुतः निशस्त्रीकरण एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका प्रयोग शस्त्रों के अस्तित्व और उनकी प्रकृति से उत्पन्न हुए विशिष्ट खतरों को कम अथवा समाप्त करना है। और जे एच जे मार्गिंथाओ के अनुसार निशस्त्रीकरण कुछ या सब शस्त्रों में कमी या उन्हें समाप्त करना है ताकि निशस्त्रीकरण की दौड़ का अंत। डॉक्टर एम के भार्गव के अनुसार शस्त्रों में कमी या उन्हें समाप्त करना ही निशस्त्रीकरण है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निशस्त्रीकरण एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य शस्त्रों को समाप्त कर युद्ध की प्रवृत्ति को रोकने और उनकी भयंकरता को कम करना है। अब निशस्त्रीकरण की क्यों आवश्यकता पड़ती है? निशस्त्रीकरण का दर्शन इस मान्यता पर आधारित है कि युद्ध का एकमात्र प्रत्यक्ष कारण विश्व में भयोत्पादक और विनाशकारी शस्त्र शस्त्रों का भंडार है। चूंकि निशस्त्रीकरण का उद्देश्य राष्ट्रों को शस्त्र विहीन करके युद्ध के साधनों से वंचित कर देना है और निशस्त्रीकरण को शांति का एक साधन माना जाता है। आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समस्त विवेचनकर्ताओं द्वारा भी इस तथ्य पर सहमति व्यक्त की जा रही है। निशस्त्रीकरण विशेषकर आणविक शस्त्रीकरण विश्व की एक ऐसी प्रमुख समस्या है जिसके समाधान के लिए आणविक निशस्त्रीकरण आवश्यक नहीं अनिवार्य है। निशस्त्रीकरण की आवश्यकता और महत्व है युद्धों से बचाव, अंतर्राष्ट्रीय तनाव और भय में कमी, मानवता की रक्षा, आर्थिक विकास और लोक कल्याण में सहायक, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का अंत, पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार, और सातवां, विश्व शांति और विश्व बंधुत्व। इसके मार्ग में आने वाली कठिनाइयां हैं दोनों महाशक्तियों के मध्य अविश्वास की स्थिति, फ्रांस और चीन के बढ़ते चरण, निशस्त्रीकरण की सीमा के अनुपात का प्रश्न, प्राथमिकता का प्रश्न, राष्ट्रवाद और प्रभुसत्ता की भावना, छठवां, आर्थिक लाभार्जन संबंधी दबाव, सातवां, नए देशों में आणविक शक्ति संपन्न करने का प्रयास। निशस्त्र के मार्ग की उपर्युक्त बाधाओं के कारण ही आणविक निशस्त्रीकरण के प्रश्न से जुड़े शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत की सर्वसीख स्वीकृति और सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था ही को संतोषजनक स्थिति नहीं बन पाई है। अब निशस्त्रीकरण के संबंध में भारत का क्या दृष्टिकोण है? तो आणविक हथियारों की प्रतिस्पर्धा में निशस्त्रीकरण के संबंध में जहाँ तक भारतीय दृष्टिकोण है का प्रश्न, भारत ने संयुक्त राष्ट्र को इस दिशा में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान नहीं किया बल्कि एक शांति प्रिय और विश्व शांति का समर्थक देश होने के कारण उससे अपने स्तर से गुटनिरपेक्ष देशों के सम्मेलनों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों से पूर्ण निःशस्त्रीकरण का पक्ष लिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि परमाणु शक्ति की छानबीन में फिलहाल हमें दूसरे देशों का अनुसरण करना पड़े, परंतु यह अनुसरण परमाणु बम बनाने में नहीं होगा। और सन 1978 में
संयुक्त राष्ट्र महासभा के निःशस्त्रीकरण सम्मेलनों में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने अपने भाषण में घोषणा की कि हमने स्वयं ही यह संकल्प लिया है कि हम परमाणु शस्त्रों का निर्माण नहीं करेंगे और न ही इन्हें कहीं से प्राप्त करेंगे। अपनी हत्या के कुछ दिन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आणविक शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा तथा परमाणु युद्ध के निकट भविष्य में उत्पन्न होने वाले खतरों में अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि हथियारों की होड़ और बाहर अंतरिक्ष में इसके खतरनाक विस्तार को रोकने के लिए सबको मिलजुल कर प्रयास किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए श्रीमती गांधी ने अर्जेंटीना, ग्रीस, मेक्सिको, स्वीडन और तंजानिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मिलकर 22 मई सन 1984 को विश्व शांति के लिए एक बड़ा अभियान प्रारंभ किया। अभी परिवर्तित अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और आणविक निःशस्त्रीकरण। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात विश्व में अमेरिकी और प्रतिद्वंदी के रूप में कोई महाशक्ति न रह जाने के कारण उसने अपने मौजूद शस्त्र भंडार और आणविक कार्यक्रम में कटौती की घोषणा की और उसे आणविक निःशस्त्रीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। अमेरिकी प्रस्तावों के अनुसार येल्त्सिन द्वारा भी आणविक शस्त्रों में कटौती करते हुए एक 10 सूची निःशस्त्रीकरण की योजना घोषित की गई, जिसमें उनके द्वारा समस्त आणविक, जैविक और रासायनिक शस्त्रों की पूर्णतया समाप्ति का प्रस्ताव रखा गया। परिवर्तित अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में विश्व के विकसित देशों में यह आणविक निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता अनुभव करने लगे। परिणाम यह निकला कि विश्व के विकसित देशों के संगठन G7 द्वारा अप्रैल 1997 में मास्को में आयोजित बैठक में एक सामान्य सहमति उभर कर सामने आई, जो वर्तमान परिस्थितियों में परमाणु विस्फोटकों पर व्यापक प्रतिबंध लगाया जाना अति आवश्यक था। साथ ही शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों द्वारा 21वीं सदी की आणविक शक्ति को ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनाए जाने की प्रतिबद्धता को भी व्यक्त करने की थी। और इसका मुख्य कारण अमेरिका की इस दिशा में एक पक्षी रवैया और अमेरिका की आणविक निःशस्त्रीकरण के मार्ग की प्रमुख बाधा थी, क्योंकि आज के विश्व में एकमात्र महाशक्ति अमेरिका भारत तथा विश्व के अन्य देशों पर आणविक शस्त्र अप्रसारक संधि पर हस्ताक्षर करने और आणविक निःशस्त्रीकरण करने के लिए निरंतर दबाव डाल रहा, परंतु वह स्वयं के लिए भविष्य में आणविक निःशस्त्रीकरण की स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि जब तक अमेरिका विश्व के आणविक शक्ति संपन्न विश्व में के अन्य देश योजनाबद्ध तरीके से निःशस्त्रीकरण की दिशा में अग्रसर नहीं होंगे, तब तक निःशस्त्रीकरण संभव नहीं हो सकता। अब है निषेध संधि। व्यापक परमाणु परीक्षण या निषेध संधि आणविक निःशस्त्रीकरण की दिशा में जून 1994 में आयोजित जेनेवा सम्मेलन में एक कदम उठाया। इस कदम में 50 देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए और निषेध संबंधी का प्रारूप स्वीकार किया गया। इस संबंधी संधि के प्रारूप में कहा गया कि इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देश परमाणु भविष्य में परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। इस सम्मेलन में भारत द्वारा विश्व शांति के लिए आणविक निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा गया कि रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन विश्व की 5 महाशक्तियों द्वारा संपूर्ण परमाणु शस्त्रों को नष्ट कर देने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम स्वीकार कर लिए जाने की दशा में पूर्ण आणविक निःशस्त्रीकरण की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। निषेध संधि की कुछ विशेषताएं और व्यवस्थाएं थी। पहला है, इस संधि को तब लागू माना जाएगा जब इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित किया जाएगा और भारत और पाकिस्तान सहित परमाणु शक्ति वाले 44 देशों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाए। इस संधि के लागू होने पर सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लग जाएगा। संधि के लागू होने के परिणाम स्वरूप अणु शक्ति के परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों ही प्रकार का विकास पर भी प्रतिबंध हो जाएगा। संधि को स्वीकार करने वाले देशों के परमाणु संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण द्वारा गठित समिति द्वारा अचानक निरीक्षण किए जाएंगे और इस समिति के असामान्य बहुमत इस समिति में सामान्य बहुमत का प्रतिवेदन
निरीक्षण के परिणाम के संबंध में मान्य समझा जाएगा। महाशक्तियों के अपनी सुविधा अनुसार इस संधि को से अलग होने का अधिकार होगा। अब है व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि में भारत का क्या दृष्टिकोण रहा है? तो भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश अपने परमाणु शस्त्रों को समयबद्ध कार्यक्रम के आधार पर नष्ट करने की बात स्वीकार नहीं कर रहे थे, अतः स्पष्ट है कि आणविक निःशस्त्रीकरण में विश्वास नहीं। भारत की सुरक्षा चीन और पाकिस्तान से प्रभावित होती है। ये दोनों ही देश आणविक शक्ति के क्षेत्र में भारत से बहुत आगे हैं। चीन और फ्रांस दो परमाणु शक्ति संपन्न देशों द्वारा संधि पर वार्ता के दौरान ही परमाणु परीक्षण किए गए और भारत इस संधि से अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता के विरुद्ध मानता है और भारत द्वारा इस संधि में विभेदकारी स्वरूप को समाप्त करने का तथा संधि में उपयोगी और प्रभावी बनाने के संबंध में कुछ रचनात्मक सुझाव भी दिए, परंतु परमाणु संधि संपन्न देश भारत के इन सुझावों को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। 11 दिसंबर 1996 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक संधि को 158 के विरुद्ध 3 भारत भूटान और लीबिया के भारी बहुमत से पारित किया गया तथा क्यूबा लेबनान तंजानिया सीरिया और मॉरिशस 5 देशों द्वारा मतदान में भाग नहीं लिया गया। भारत की स्पष्ट नीति है कि संधि को वास्तविक रूप से प्रभावी बनाने के लिए परमाणु शक्ति संपन्न देशों को अपने परमाणु शस्त्रागारों को समाप्त करने का संकल्प लेना चाहिए और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक विश्व शांति की कल्पना केवल मात्र एक कल्पना ही रहेगी। भारत ने 11 मई और 13 मई 1998 को कुल मिलाकर 5 आणविक परीक्षण किए हैं। इस प्रकार भारत अब परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है और वास्तविकता यह है कि भारत चीन और पाकिस्तान जैसे अपने पड़ोसी देशों के विस्तारवादी रवैये और उनके द्वारा की जा रही भारी सामरिक तैयारी के परिणाम स्वरूप ऐसा करने को बाध्य है। इन परीक्षणों के पश्चात भी भारत द्वारा निःशस्त्रीकरण की दिशा में अपनी अपनी आस्था को पुनः दोहराते हुए इस बात पर बल दिया गया कि आणविक संपन्न 5 देशों सहित विश्व के सभी देश भेदभावपूर्ण नीति का परित्याग गंभीरतापूर्वक करेंगे और निःशस्त्रीकरण के मार्ग को अपनाएंगे, तभी आणविक निःशस्त्रीकरण संभव हो सकेगा। बच्चों, आप मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ये वीडियो बहुत अच्छे से देखा और सुना होगा और आप अपने नोट्स तैयार करेंगे और इन्हें याद करेंगे।